कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर कैदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कानपुर में कैदी ने शौचालय में फांसी लगाकर दी जान। फतेहगढ़ जेल से इलाज के लिए लाया गया था अस्पताल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। स्वरूपनगर के जेके कैंसर अस्पताल की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी मौके पर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। आपको बड़ी खबर कानपुर से बता दें, जहां पर एक कैदी ने शौचालय में फांसी लगाकर जान दे दी। फतेहगढ़ जेल से इलाज के लिए लाया गया था अस्पताल, जहां पर उसने फांसी लगाकर जान दे दी। स्वरूप नगर के जेके कैंसर अस्पताल की यह घटना है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लगातार मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर एक कैदी ने शौचालय में फांसी लगाकर जान दे दी है। आपको बता दें कि फतेहगढ़ जेल से इलाज के लिए उसे जेके कैंसर अस्पताल लाया गया था, जहां पर उसने शौचालय में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर एक कैदी ने शौचालय में फांसी लगाकर दी जान। फतेहगढ़ जेल से इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था कैदी को, और स्वरूप नगर के जेके कैंसर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, जहां पर उसने शौचालय में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता हमसे जुड़ चुके हैं। सारिका, आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पताल के शौचालय में एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि फतेहगढ़ जेल में था ये जो आत्महत्या करी है, जिस भी मरीज ने, वो फतेहपुरगढ़ जेल से आया था यहाँ पर, और यहाँ पर उसका उपचार चल रहा था। तो उपचार के दौरान ही इस मरीज ने जो है यहाँ पर शौचालय में जाकर फांसी लगा ली है, और जैसे ही ये सूचना मिली तो स्वरूप नगर थाने का फोर्स जो है वो मौके पर पहुंचा, और जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है, और जांच पड़ताल लगातार जारी है। उसके बावजूद पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई थी और उसने भी जांचा है, और जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या वजह रही है जो ये कैदी था, इसने फांसी लगाई है। जी सारिका, तो आप जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर एक कैदी ने शौचालय में फांसी लगाकर जान दे दी। आपको बता दें कि फतेहगढ़ की जेल से इलाज के लिए उसे जेके कैंसर अस्पताल लाया गया था, जहां वो भर्ती था, और जांच के दौरान ही उसने शौचालय में जाकर फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैदी ने आत्महत्या क्यों की। प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस है, इसका प्रमाण अमेठी में देखने को मिला है, जहां जिले के रहने वाले एक परिवार ने सात समंदर पार रोजी रोटी के लिए गए अपने लाल को खो दिया। दक्षिण अफ्रीकी देश तंजानिया के तारे सलाम में शिक्षक के पद पर तैनात युवक की मलेरिया के चलते मौत हो गई, और अब परिवार उसके शव को स्वदेश लाने के लिए दर दर भटक रहा है। कोरोना के चलते उसे हर तरफ से निराशा हाथ लग रही है। अब इस परिवार को अंतिम सांस जिले की सांसद स्मृति ईरानी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से बची है। न्यूज़ 11 में बस इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।